नमस्कार, यूपीएससी करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मनीष श्रीवास्तव और हम बात करेंगे चीनी वैज्ञानिकों ने बनाया गाय का नया क्लोन। चीन के वैज्ञानिकों ने गाय का क्लोन तैयार किया है। इसका नाम सुपर काऊ रखा गया है। ये सुपर काऊ कथित तौर पर अपने जीवन काल में अधिक मात्रा में दूध देने में सक्षम है। चीन की नॉर्थ वेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल एंड फॉरेस्ट्री साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने ये क्लोन तैयार किया था। वैज्ञानिकों के अनुसार 2 से 3 साल में 1000 से अधिक सुपर गाय तैयार करने की योजना है। डच होलस्टीन फ्राइजियन नस्ल की गायों से क्लोन तैयार किया गया है। ये अपनी उच्च दूध उत्पादकता के लिए जानी जाती हैं। क्लोन गायों के अपने जीवन काल में 100 टन तक दूध देने की भी उम्मीद है। ये अमेरिका में एक औसत गाय की तुलना से लगभग 1.7 गुना ज्यादा है। इसका उद्देश्य विदेशी नस्लों पर चीन की निर्भरता को कम करना है। चीन की करीब 70% डेयरी गाय दूसरे देशों से आयात की जाती है। क्लोनिंग किसी अन्य कोशिका उत्तक या जीव की सटीक अनुवांशिक प्रतिकृति होती है। क्लोन किए गए जीव में मूल जीव के समान अनुवांशिक संरचना होती है। 1996 में ब्रिटिश शोधकर्ताओं ने सर्वप्रथम क्लोनिंग की थी। उन्होंने एक वयस्क भेड़ के DNA का उपयोग करके एक भेड़ का बच्चा पैदा किया था, जिसे नाम डॉली दिया गया था। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी।